वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 3BHK अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में फुली फर्निश्ड विला, जो कि ये चित्रकूट एक्सटेंशन में धावास रोड पे है, मेन बाईपास से 100 मीटर की डिस्टेंस पे। इसका फ्रंट है 17.5x60 की डेप्थ में बना हुआ है। 2 कार पार्किंग के साथ में आपको स्पेस मिल रहा है पूरा, काफ़ी अच्छे स्पेशियस के साथ में। जैसे एंट्रेंस के साथ में आप देखेंगे, एंट्रेंस के साथ में आपका ये लिविंग स्पेस हो गया। लिविंग स्पेस का डायमेंशन काफ़ी अच्छा है आपको देखने को मिलेगा। 7 से 8 सीटर आपका सोफ़ा सेट, बैक में वॉलपेपर और ये फुली मॉड्यूलर डिज़ाइन में आपका इंटीरियर वर्क, टाइल्स वर्क भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये आपका लिविंग एरिया हो गया, सामने टीवी पैनल, टीवी LED हो गया। ये आपका सिटिंग एक एरिया हो गया। काफ़ी अच्छे यूजेस के साथ में पूरे फ्लैट का डायमेंशन दिया हुआ है। और ये आपका किचन एरिया हो गया, किचन एरिया का स्पेस भी काफ़ी अच्छा इसमें आपको देखने को मिलेगा। फुली मॉड्यूलर किचन, फुली फर्निश्ड। ये आपका चिमनी इनवेयर का ब्रांडेड। ये आपका ग्रेनाइट वर्क पूरा और फुली मॉड्यूलर किचन इंटीरियर के साथ वाइट देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा इंटीरियर इसमें किया हुआ है। ये आपके सामने फ्रिज का एरिया आपको दे दिया है। ये आपके सैनिटरी बिल्कुल ब्रांड की फिटिंग, सेरा की फिटिंग्स आपको देखने को मिल रही हैं। सामने चलते हैं, कॉमन वॉशरूम हो गया आपका ये लिविंग एरिया के साथ में। ये फुली फर्निश्ड आपको गीज़र वगैरह सारी चीज़ आपको मिलेंगी यहाँ देखने को। ये आपका ग्राउंड फ्लोर पे फर्स्ट बेडरूम आपका हो गया है, इस विला का फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है इसमें, 14x14 के आसपास का बेडरूम हो गया, स्पेशियस बेडरूम। सामने आपका ये वार्डरोब एरिया हो गया। ये आपका पूरा वॉल पे वॉल पेपर्स वगैरह की काफ़ी अच्छी डिज़ाइन आपको यहाँ देखने को मिलेगी। सामने आपका ये टीवी पैनल हो गया आपका 52 इंच तक का भी, आप इसमें आराम से 52 इंच का आप आराम से टीवी लगाइए इसमें। ये आपका ओपन एरिया हो गया रूम के साथ में, आपको ये पूरा वेंटिलेटेड एरिया मिल गया आपको यहाँ पे, प्रॉपर आपको रोशनी देखने को मिलेगी रूम के अंदर, अंधेरा नहीं रहेगा मतलब आपका रूम के अंदर। ये आपका अटैच वॉशरूम हो गया रूम के साथ ही, रूम के साथ ही अटैच वॉशरूम, बड़े स्पेशियस साइज़ में आपको ये देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा साइज़ है इसमें। फुली फर्निश्ड वॉशरूम, सेरा की आपकी फिटिंग्स पूरी ब्रांडेड फिटिंग्स हो गई आपकी है, और वुडन वर्क भी काफ़ी अच्छा इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ हम चलते हैं आगे फर्स्ट फ्लोर पे। आपका स्टेयर्स पे पूरा ग्रेनाइट वर्क, रेलिंग में आप देखिए पूरा स्टील रेलिंग हो गई आपकी विद ग्लास वर्क, ब्लैक ग्रेनाइट से लुक ही आपका पूरा चेंज हो गया। काफ़ी अच्छे वर्क के साथ आपको विला देखने को मिल रहा है। ये आपका फर्स्ट फ्लोर पे फर्स्ट बेडरूम हो गया, फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम है आपके। ये फर्स्ट बेडरूम आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे डायमेंशन के साथ में 12x16x17 के आसपास का बेडरूम आपका हो गया। ये सामने आपका वार्डरोब एरिया हो गया, इधर आपका ये सामने टीवी पैनल हो गया बेड के जस्ट सामने। सामने रैक्स वगैरह आपका स्पेशियस, कोई भी आप अपना छोटा मोटा सामान वगैरह रखने के लिए पूरा दिया हुआ है। इसी के साथ में अटैच वॉशरूम हो गया आपका, वॉशरूम का साइज़ भी काफ़ी अच्छा, मतलब हर रूम के साथ में आपको अच्छा स्पेशियस साइज़ में वॉशरूम आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ में आपका रूम के साथ में अटैच ये वेंटिलेटेड एरिया हो गया, इसको आप कवर भी करवा सकते हैं। ये सामने आपका सेकंड बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे मास्टर बेडरूम जिसको आप बोलेंगे, मास्टर बेडरूम का साइज़ भी काफ़ी अच्छा इसमें आपको देखने को मिल रहा है, करीब 14x17 14x16 के आसपास का ये रूम हो गया आपका। ये पूरा मतलब लग्जरी सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगा। सामने वार्डरोब एरिया, टीवी पैनल पूरा आपका, ये आपका बेड एरिया हो गया। इस रूम के साथ में भी आपको अटैच वॉशरूम देखने को मिल रहा है, अटैच वॉशरूम का साइज़ वही सेम काफ़ी अच्छे स्पेस में साइज है। ये आपका मंदिर एरिया हो गया, इसी के साथ में आपका अटैच वॉलकनी हो गया रूम के साथ में, वॉलकनी का साइज़ भी काफ़ी अच्छा स्पेशियस साइज में आपको ये देखने को मिलेगा।
आइए इसी के साथ हम आगे चलते हैं। आगे चल के हम सेकंड फ्लोर पे देखते हैं क्या आपको फैसिलिटी दी हुई है। ये आपको काफ़ी अच्छे इंटीरियर के साथ में आप देखेंगे, ये झूमर लगा हुआ है इतना प्यारा। ये सेकंड फ्लोर आ गया, इसमें आपके पास ऑप्शन है, इन फ्यूचर में आप कुछ बनाना चाहे तो बना सकते हैं। बाकी इसके साथ में टाइल वर्क, पूरा ग्रास वर्क के साथ में आपको ये एक पार्टी लॉन्स टाइप से आपको ये बना के दे दिया। इसमें आप अपनी छोटी मोटी कोई भी पार्टी कर सकते हैं, छोटा मोटा कोई भी आप अपना फंक्शन कर सकते हैं। सामने आपके बाईपास हो गया, मैन हाईवे से 50 से 100 मीटर का डिस्टेंस ही आपका ये। ये पूरा ओपन रूफ टॉप ओपन एरिया दे दिया। ये एक रूम का छोटा रूम आपको दे दिया, जिसमें अपना छोटा मोटा स्टोर का सामान वगैरह आप रख सकते हैं। ये और ऊपर जाने के लिए छत का आपका सीढ़ियों का ऑप्शन दे दिया है आपको। हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 3BHK अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में फुली फर्निश्ड फ्लैट। देखिए हम आपको दिखाते हैं पूरा फ्लैट का टूर, ये करवाते हैं हम आपको। ये एंट्रेंस के साथ में आपका लिविंग एरिया हो गया। लिविंग एरिया का डायमेंशन काफ़ी अच्छा आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये 6 to 7 सीटर इसमें आपका सोफ़ा सेट पूरा फुली मॉड्यूलर और विथ काफ़ी अच्छा इंटीरियर इसमें आपको देखने को मिलेगा। फॉल्सनिंग का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा आपको इसमें देखने को मिल रहा है। ये एज इट इज़ पूरी कंडीशन में आपको फ्लैट ये मिलेगा, ये फुली फर्निश्ड फ्लैट। सेपरेशन आपका इसमें लिविंग और डाइनिंग एरिया का सेपरेशन पार्ट है। ये सामने आपका पूजा घर हो गया, इसके बगल में आपका टीवी पैनल हो गया, नीचे आपका फर्नीचर का पूरा वर्क हो गया स्टोरेज के लिए। ये सेपरेशन हो गया आपका लिविंग एरिया और डाइनिंग का। ये आपका एंट्रेंस के साथ में ये फर्स्ट बेडरूम हो गया। फर्स्ट बेडरूम का स्पेस इसमें काफ़ी अच्छा स्पेशियस साइज आपको देखने को मिलेगा। 6x6 का आपका इसमें बेड हो गया। बेड के सामने आपका वार्डरोब एरिया हो गया, काफ़ी अच्छे डिज़ाइनिंग के साथ में आपको, काफ़ी अच्छे डिज़ाइनिंग वर्क के साथ में, काफ़ी अच्छी फॉल्सनिंग, काफ़ी अच्छे इंटीरियर के साथ में आपको ये देखने को मिल रहा है। ये आपका स्टडी टेबल के लिए एक ऑप्शन दे दिया है। ये फुली मॉड्यूलर ये आपका वॉशरूम एरिया हो गया, अटैच वॉशरूम है ये रूम के साथ में ही, काफ़ी अच्छे इंटीरियर के साथ में ये फुली फर्निश्ड आपको एज इट इज कंडीशन में मिलने वाला है। ये आपका रूम के साथ में अटैच बालकनी हो गया। बालकनी का साइज भी काफ़ी अच्छा इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये 60 फिट रोड पे प्रोजेक्ट है, 60 फिट के सामने आपका फ्रंट में हो गया। वुडन वर्क काफ़ी अच्छा इसमें किया हुआ है, वुडन वर्क का इस पर वर्किंग काफ़ी अच्छे इंटीरियर के साथ में वुडन वर्क इसमें देखने को आपको मिल रहा है। ये सेकंड बेडरूम हो गया आपका, सेकंड बेडरूम का स्पेस भी काफ़ी अच्छा हो गया। पूरे ब्रांडेड आपको इसमें हार्डवेयर, सैनिटरी, पूरा फैंस वगैरह पूरा ब्रांडेड कंटेंट में आपको इसमें मिलेगा। जैगवार की आपके इसमें फिटिंग्स मिलेंगी आपको और ये पूरा वॉशरूम का टाइल्स वर्क के साथ में आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। ये आप देखेंगे इंटीरियर, इतना प्यारा इंटीरियर, इतना अच्छा इंटीरियर के साथ में आपको ये रूम देखने को मिल रहा है। और पूरा स्पेशियस 6x6 का बेड प्लस आपका ये वार्डरोब एरिया काफ़ी अच्छा हो गया। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। ये आपका डाइनिंग एरिया हो गया, 6 to 7 सीटर आपका डाइनिंग एरिया हो गया। डाइनिंग एरिया के साथ में आपको ये वॉश बेसिन एरिया भी यहीं पे आपको दे दिया है। इसी के साथ में आपको अटैच बालकनी दे दिया है डाइनिंग एरिया के साथ भी। ये आपका किचन से भी अटैच हो गया और आपका डाइनिंग एरिया से भी अटैच हो गया। बालकनी का स्पेस काफ़ी अच्छा स्पेस है इसमें आपको, ये साउंड प्रूफ ग्लास के साथ में आपको बालकनी देखने को मिल रही है। ये आपका किचन का स्पेस हो गया, फुली मॉड्यूलर किचन सेम इसी कंडीशन में आपको मिलेगा। काफ़ी अच्छा ब्रांडेड
फिटिंग्स सारी आपको इसमें देखने को मिल रही है, जैगवार की इसमें फिटिंग्स हैं। ये आपका थर्ड बेडरूम हो गया। थर्ड बेडरूम में हम एंटर करते हैं, आपका मास्टर बेडरूम हो गया। ये आपका इसके साथ में अटैच वॉशरूम हो गया। वही सेम ब्रांडेड फिटिंग सारी जैगवार की आपको देखने को मिलेंगी पूरे फ्लैट में, और वुडन वर्क, वुडन टाइल वर्क आपको इसमें देखने को मिल रहा है इस रूम में, मास्टर बेडरूम में। 6x6 का वही बेड आपका, और वार्डरोब का स्पेस काफ़ी अच्छा स्पेस हो गया इसमें, वार्डरोब का भी स्लाइडिंग वार्डरोब हो गया पूरा। 9 फिट की पूरी इसकी हाइट है वार्डरोब की। ये सामने आपका AC पॉइंट हो गया, वॉल्कनी हो गया, ये स्टडी टेबल हो गया, इसी के साथ में अटैच वॉल्कनी हो गई। वॉल्कनी का स्पेस काफ़ी अच्छा है इसमें भी। ये सामने आपका TV पैनल हो गया। देखिए काफ़ी अच्छे स्पेस में आपको ये देखने को मिल रहा है, करीब 1400 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट है। जो भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, जो नए हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे वीडियोस रेगुलर देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज़ के और प्रॉपर्टी से रिलेटेड काफ़ी अच्छे वीडियोज़ हम आपको दिखाएंगे आगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट एंड शेयर प्लीज़। थैंक यू सो मच। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम आपके लिए लेके आए 3BHK फुली फर्निश्ड लग्जरी सेगमेंट में फ्लैट इन नियर बाय अजमेर रोड जयपुर। ये 200 फीट बाईपास के पास में ही आपका ये फ्लैट है। ये फुली लग्जरी सेगमेंट के अंदर है, या फुली फर्निश्ड फ्लैट। जैसे कि एंटर करते ही आपका ये लिविंग एरिया हो गया। लिविंग एरिया में आप देखेंगे 7 से 8 सीटर आपका ये सोफ़ा, फुली मॉड्यूलर सोफ़ा, बहुत ही अच्छा आपका ये फ़ैन का लाइटिंग, फ़ैन पूरा फॉल्सनिंग एरिया काफ़ी अच्छा डिज़ाइन में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसी के साथ में आपके सामने TV पैनल विथ गुड फर्नीचर वर्क के साथ में। इसी के साथ हम आगे चलते हैं, ये आपका डाइनिंग एरिया हो गया। इससे पहले हम आपको ये रूम का दिखवाते हैं। ये फर्स्ट आपका बेडरूम हो गया। फर्स्ट बेडरूम का साइज भी इसमें काफ़ी अच्छा, स्पेशियस साइज़ है, काफ़ी अच्छा आपको इसमें साइज़ देखने को मिल रहा है। वार्डरोब का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, स्पेशियस साइज़। बेड का साइज़ भी 6x6 मास्टर बेडरूम आपका ये हो गया, किंग साइज़ बेड हो गया आपका। ये सामने की साइड में आपका TV पैनल हो गया। इसी के साथ में आपको रूम के साथ में अटैच ये वॉल्कनी आपको ये दे दिया है। रूम के साथ ही आपका अटैच वॉशरूम भी हो गया है। वॉशरूम का स्पेस भी आपको इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस मिल गया है। ये पूरा आपको गीज़र वगैरह ये काफ़ी अच्छी है, जैगवार का आपको ये फिटिंग आपको देखने को यहाँ मिलेगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं, ये आपका डाइनिंग एरिया हो गया। 6 सीटर आपको इसमें डाइनिंग एरिया भी आपको यहाँ दे दिया गया है। सामने आपका पूरा इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ में पूरा वॉल वर्क, सामने आपका ये मंदिर का पैनल दे दिया हुआ है। ये आपका वॉशिंग एरिया वॉल्कनी के साथ में, जो कि किचन के जस्ट बगल में आपके अटैच है। या एज ए वॉल्कनी आप इसको यूज़ कर सकते हो, एज ए वॉशिंग एरिया आप इसको यूज़ कर सकते हो। यह आपका काफ़ी अच्छा स्पेशियस किचन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। जल्दी से आपको किसी भी फ्लैट में ऐसा स्पेशियस किचन नहीं मिलेगा। काफ़ी अच्छा 3 साइड में आपका ये किचन हो गया। इधर आपका फ्रिज एरिया दे दिया बड़ा सारा, फ्रिज आप इधर लगा सकते हैं अपना। इसी के साथ हम आगे चलते हैं, ये आपका सेकंड बेडरूम हो गया। सेकंड बेडरूम का स्पेस भी इसमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। इसी के साथ आपका ये बैक वर्क, वॉल वर्क काफ़ी अच्छा इसमें इंटीरियर के साथ में किया हुआ है। पूरा इंटीरियर डिज़ाइन काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग के साथ में आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ये सामने आपका वार्डरोब एरिया हो गया। ये इस रूम के साथ में भी अटैच वॉशरूम हो गया आपका।
वॉशरूम के साइजेस काफ़ी अच्छे स्पेस में आपको यहाँ सारे देखने को मिल रहे हैं। इस रूम के साथ आपका अटैच वॉलकनी भी हो गया। वॉलकनी का स्पेस काफ़ी अच्छा स्पेशियस साइज आपको इसमें देखने को मिल रहा है। देखिए बहुत ही अच्छे इंटीरियर लुकिंग के साथ में आपका ये फ्लैट 3 BHK नियर बाय अपना अजमेर रोड। ये आपका थर्ड बेडरूम हो गया। थर्ड बेडरूम का एंट्रेंस के साथ में आप देखेंगे काफ़ी अच्छे इंटीरियर वाइट इंटीरियर के साथ में आपको ये बेडरूम देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा मतलब कलर कॉम्बिनेशन पूरे फ्लैट में काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। और किंग साइज बेड सामने आपका वार्डरोब एरिया स्लाइडिंग वार्डरोब एरिया स्पेशियस काफ़ी आपका सामान के हिसाब से पूरा स्पेशियस सामने आपका ये ओपन एरिया दे दिया। विंडो के साथ में आपको ये सिटिंग एरिया के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं इवनिंग टाइम। इसी के साथ में अटैच वॉशरूम भी आपको दे दिया। वॉशरूम का स्पेस तीनों ही रूम्स में काफ़ी अच्छा स्पेस है। एज इट इज़ आपको इसी कंडीशन में फ्लैट मिलेगा। गाइज हमारा चैनल प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के वीडियोस देखने के लिए एंड लाइक कर दीजिएगा एंड फॉरवर्ड आप आगे लोगों को कर दीजिएगा कि ऐसे प्रॉपर्टीज़ के एंड इन सब चीज़ों के आपको वीडियोस आगे देखने को कंटिन्यू मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन।
वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 3BHK लग्जरी सेगमेंट में एक फुली फर्निश्ड फ्लैट, कि बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस के अंदर है। ओनली 56 लाख में ये फुली फर्निश्ड एज इट इज़ आपको मिलेगा। ये नियर बाय 200 फिट बाईपास के पास में ये फ्लैट आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छे स्पेस में है ये, करीब 1380 स्क्वायर फिट के एरिया में ये फ्लैट है। ये आपको 6 to 7 सीटर सोफ़ा आपको यहाँ पे मिलेगा, बहुत ही ए क्लास इंटीरियर के साथ में। काफ़ी अच्छा इसमें इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा। ये आप देखिए, बहुत ही अच्छा टाइल्स वर्क भी काफ़ी अच्छा इसमें किया हुआ है। पूरा डाइनिंग एरिया 6 to 7 सीटर डाइनिंग एरिया भी आपका हो गया। ये वॉल्स पे काफ़ी अच्छा इंटीरियर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये 3BHK फुली फर्निश्ड फ्लैट है, बहुत ही अट्रैक्टिव लुकिंग में फ्लैट है। वॉल्स पे काफ़ी अच्छा वॉलपेपर्स एंड बहुत अच्छी इंटीरियर डिज़ाइनिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ये 6 सीटर आपका डाइनिंग एरिया हो गया। ये सामने आपके टीवी पैनल हो गया, पूरी ड्रॉर्स वगैरह हो गई टीवी पैनल के साथ में। ये आपके 3 बेडरूम में हो गया, आपके एसी के पॉइंट्स, लिविंग एरिया, रूम, सभी जगह आपके एसी के पॉइंट्स काफ़ी अच्छे। काफ़ी अच्छा स्पेस में आपको ये फ्लैट देखने को मिल रहा है। आइए हम आगे चलते हैं। ये लिविंग एरिया के साथ में आपका बालकनी एरिया हो गया। बालकनी एरिया का स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, इसमें 4 से 5 आपकी सिटिंग हो सकती है बालकनी एरिया के अंदर भी। इसी के साथ में आपको ये ग्लास फ्रेम में टच सिस्टम आपको दे दिया। ये आपका किचन एरिया हो गया, किचन एरिया का स्पेस भी काफ़ी अच्छा है इसमें वैसे तो। ये आपका मॉड्यूलर किचन पूरा कंप्लीट एज इट इज आपको मिलेगा इसमें। बाकी आप कुछ चेंजेस करवाना चाहे तो वो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंजेस भी करवा सकते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। ये आपका फर्स्ट बेडरूम हो गया, फर्स्ट बेडरूम का एंट्रेंस के साथ में। इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस आपको इस बेडरूम में देखने को मिलेगा, करीब 14x12 के आसपास का आपका ये बेडरूम है। और ये पूरा फुली इंटीरियर के साथ में एज इट इज़ आपको ये मिलेगा। एज इट इज़ पूरे डिज़ाइंस, पूरे बेड्स, पूरे विथ आपको बेड के साथ में आपको गद्दे वगैरह पूरा कंप्लीट एज इट इज़ मिलेगा। सामने आपका वार्डरोब एरिया हो गया, वार्डरोब का स्पेस भी काफ़ी अच्छा आपको इसमें मिल रहा है। इसी के साथ में आपको ये अटैच वॉशरूम भी हो गया, वॉशरूम का स्पेस भी इसमें काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। विद वॉल्स पे भी आपको काफ़ी अच्छी टाइल्स, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा इसमें किया हुआ है। सेरा की इसमें आपकी फिटिंग है, हर रूम में आपको गीज़र आपको मिलेगा। ये फुली मतलब कंप्लीट फुली फर्निश्ड एज इट इज़ कंडीशन में मिलेगा। और कुछ छोटा मोटा आप चेंजेस इसमें करवाना चाह रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका। बाकी आगे चलते हैं हम सेकेंड बेडरूम की तरफ। आपका सेकेंड बेडरूम का ये आपका टीवी पैनल हो गया हॉल में, जो आपको देखने को मिलेगा। टीवी पैनल काफ़ी अच्छा इसमें टीवी पैनल आपको दिया है, काफ़ी अच्छा स्पेसिस। आप इसमें 42 इंच तक आप अपना टीवी लगा सकते हैं, और भी बड़ा साइज़ में आप टीवी इसमें टीवी यूनिट आप लगा सकते हैं। सेकेंड बेडरूम का साइज़ भी लगभग आपका 14x12 के आसपास का इसमें साइज़ है। वही सेम इसमें इंटीरियर आपका काफ़ी अच्छा इंटीरियर वर्क किया हुआ है। किंग साइज़ आपका इसमें बेड है, पूरी अच्छी बड़ी वार्डरोब्स आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। वॉल पे भी काफ़ी अच्छा बेड के साथ में इसमें इंटीरियर किया हुआ है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। इसी के साथ में अटैच वॉशरूम भी इसमें दिया है आपको। वही सेम ये वार्डरोब, सामने आपकी वार्डरोब हो गई। ये वॉशरूम का स्पेस काफ़ी अच्छा स्पेस, वॉशरूम भी दिया हुआ है इसमें स्पेशियस आपको। इसी के साथ रूम के साथ अटैच वॉशरूम हो गया। वही सेम ब्रांडेड सेरा की आपको इसमें फिटिंग्स मिल जाएंगी, गीज़र, फैन, सारी चीज़ आपको एज इट इज़ लगी हुई ही मिलेंगी। ये आपका रूम के साथ अटैच बालकनी हो गया, 4 से 5 रूम की सिटिंग के साथ आपका बालकनी स्पेस इसमें दिया हुआ है आपको। इसी के साथ हम आगे चलते हैं थर्ड बेडरूम की साइड में। थर्ड बेडरूम का जो स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छा इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। वही सेम 14x12 के आसपास का ये रूम भी आपका 14x12 के आसपास का हो गया।
पूरे फ्लैट में काफ़ी अच्छे टाइल्स वर्क किया हुआ है, ब्रांडेड टाइल्स के साथ में आपको ये पूरा फ्लैट देखने को मिलेगा। ये भी लगभग आपका 14x12 का विथ वॉल्स पे इंटीरियर के साथ में बेड पूरा ये आपको एज इट इज कंडीशन में ही मिलेगा। ये थर्ड बेडरूम के साथ भी आपका अटैच वॉशरूम हो गया, वॉशरूम का स्पेस वही सेम, काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ में तीनों वॉशरूम आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इस रूम के साथ में भी अटैच आपका वार्डरोब एरिया हो गया, सेम किंग साइज आपका इसमें भी वही बेड हो गया। थैंक यू। ये जो भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, आगे के वीडियोस देखने के लिए कंटिन्यू हमारे चैनल में बने रहें और वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए सर, लाइक कर दीजिए और आगे भी हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे फ्लैट्स, प्रॉपर्टीज़, विलाज, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 3BHK लग्जरी सेगमेंट में फुली फर्निश्ड फ्लैट। 1450 square feet की एरिया में ये फ्लैट है, ये सुपर बिल्ट अप एरिया 1450 square feet इस फ्लैट का है। आइए हम चलते हैं आगे, इस पूरे फ्लैट का हम वीडियो देखते हैं, पूरे फ्लैट का आपको टूर करवाते हैं। ये सबसे पहले एंट्रेंस के साथ ही आपका इशू रहा है और इस हिसाब से पूरे पॉइंट्स वगैरह इसमें दिए हुए हैं। और ये फिर एंट्रेंस के बाद में आपका हॉल एरिया हो गया, लिविंग एरिया, पूरा फॉल्सनिंग काफ़ी अच्छा फॉल्सनिंग किया हुआ है पूरा एज इट इज़। फैंस का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, पूरा ब्रांडेड फैंस हो गए इसमें आपके। एसी पॉइंट आपका सामने दिया हुआ है, इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है, वॉल्स पे काफ़ी अच्छे वॉलपेपर्स के साथ में इसमें डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे और आपके लाइट्स फिटिंग्स काफ़ी अच्छी डिज़ाइन में आपको देखने को यहाँ मिलेंगी। सोफ़े का साइज़ भी करीब आपका 7 से 8 सीटर सोफ़ा हो गया। इसी के साथ में इस जगह आपका डाइनिंग एरिया हो गया, इस सामने आपका टीवी कैबिनेट हो गया। आगे आप चलते हैं, ये देखिए आपका सामने वॉश बेसिन हो गया, ये हॉल में आपका अटैच वॉश बेसिन हो गया। इसी के साथ में आपका फर्स्ट बेडरूम करीब 14x12 के आसपास का ये बेडरूम हो गया आपका, काफ़ी अच्छे स्पेस में आपका बेडरूम आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ में आपका साइड में वार्डरोब हो गया, सामने आपका ये ओपन एरिया हो गया बालकनी के हिसाब से। इसी के साथ में आप ये डिज़ाइन देखिए, आप इंटीरियर देखिए, बेड के साथ में काफ़ी अच्छा इंटीरियर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये सामने आपका वार्डरोब का एरिया हो गया, काफ़ी अच्छा स्पेशियस वार्डरोब हो गया आपका ये। सामने आपका ड्रेसिंग एरिया भी इसी में दे दिया है। इसी के साथ हम चलते हैं, इसके साथ में अटैच वॉशरूम हो गया आपका, ये वॉशरूम में काफ़ी अच्छा स्पेस आपको देखने को मिलेगा, अच्छा स्पेस के साथ में आपका सेरा की फिटिंग्स है आपके, पूरी सैनिटरी फिटिंग, टाइल्स वर्क भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वॉल पे भी वॉशरूम में काफ़ी अच्छी टाइल्स वर्क आपको देखने को मिलेंगी विद आपको इसमें फ़ैन एंड गीज़र के साथ में आपको ये वॉशरूम, तो वेजेटीज आपको फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट आपको ये मिलेगा, काफ़ी अच्छी रेट्स में है, आप एक बार विज़िट करिए। ये बालकनी एरिया हो गया आपका, इससे आपका रोड की साइड में आपका ये फ्लैट देखने को मिल जाएगा। रोशनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिन के उजाले में भी आपको काफ़ी अच्छा इसमें आपको रोशनी देखने को मिलेगी। इसी के साथ आप आगे चलते हैं, हम आगे चल के देखते हैं सेकंड इसका बेडरूम। ये 3BHK फ्लैट है, तो काफ़ी अच्छा स्पेस है लिविंग एरिया का आपका इसमें। ये आपका किचन हो गया, किचन का स्पेस भी इसमें काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा, फुली मॉड्यूलर किचन विद चिमनी एंड कंप्लीट आपका सैनिटरी फिटिंग, पूरा सेरा ब्रांड का आपका सैनिटरी फिटिंग है यहाँ पे, पूरी सॉफ्ट टच आपका ये किचन पैनल्स हैं पूरे इसमें। ये सेकेंड बेडरूम में हम चलते हैं, ये भी करीब करीब आपका 14x12 का ये बेडरूम हो गया, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ में आपको ये काफ़ी अच्छे इंटीरियर के साथ में आपको देखने को मिल रहा है। ये 6x6 किंग साइज़ बेड आपका हो गया, ये सामने आपका ड्रेसिंग पोर्शन हो गया, इसी के साथ में आपके इसके बगल में बालकनी एरिया हो गया,
5। ये आपका ड्रेसिंग एरिया के साथ में वॉशरूम आपको दे दिया है। ये पूरी वार्डरोब आपको काफ़ी अच्छे स्पेस में वार्डरोब दे दी है। ये बिग साइज़ में आपका वॉशरूम हो गया, वॉशरूम एरिया वही सेम सेरा की फिटिंग्स एंड पूरा फ़ैन, आपका गीज़र, पूरे ऑप्शंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छी प्राइस में है, आप एक बार आके विज़िट करिए। और जिन लोगों ने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड आगे के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट हम थर्ड बेडरूम इस फ्लैट का देखते हैं। ये थर्ड बेडरूम का साइज़ भी काफ़ी अच्छा स्पेशियस साइज़ इसमें आपको देखने को मिलेगा। टाइल्स वर्क काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पूरा ब्रांडेड फिटिंग्स की टाइल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। पूरा फैंस भी आपके ब्रांडेड फैंस, फॉल सीलिंग भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में आपको देखने को मिलेंगी। ये थर्ड बेडरूम हो गया, थर्ड बेडरूम के किंग साइज़ बेड के साथ में ही आपका वार्डरोब का ऑप्शन हो गया। बेडरूम का साइज़ आप देखिए काफ़ी अच्छा, 14x12 के साइज़ में आपका बेडरूम हो गया। बैक में काफ़ी अच्छा इसमें इंटीरियर बेड के साथ में आपको देखने को मिलेगा। एसी पॉइंट्स हर रूम में आपको देखने को मिलेंगे। ये इस रूम के साथ भी अटैच वॉशरूम हो गया आपका, वही सेम इसमें सेरा की फिटिंग्स एंड गीज़र फैंस के पूरे ऑप्शंस आपको इसमें साथ में देखने को मिलेंगे। वॉल पे काफ़ी अच्छी टाइल्स आपको देखने को मिलेंगी। सामने आपका वार्डरोब एरिया हो गया, वार्डरोब का स्पेस भी काफ़ी अच्छा इसमें स्पेस आपको देखने को मिलेगा। ये ऊपर फॉल्सनिंग काफ़ी अच्छी फॉल्सनिंग इसमें की हुई है। तो काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ में आपको फ्लैट, काफ़ी अच्छे इंटीरियर के साथ में आपको फ्लैट मिल रहा है। एज इट इज़ पूरी कंडीशन में आपको फ्लैट मिलेगा, बाकी कोई छोटा मोटा अगर आप चेंजेस करवाना चाहें तो वो आप करवा सकते हैं इस फ्लैट में। ये लिविंग एरिया के साथ, डाइनिंग एरिया के साथ जो बालकनी है आपका, ये बालकनी का स्पेस हो गया, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको इस बालकनी में देखने को मिलेगा। इसमें आपके 4 से 5 लोगों की सिटिंग इजीली आपकी हो सकती है। ये वॉशिंग एरिया के रूप में भी आप इसको काम में ले सकते हैं। ये किचन के जस्ट बगल में आपके पैरेलल में हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेडिट की होम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक सुपर लग्जरी 3BHK फ्लैट, वो भी फुली फर्निश्ड, जयपुर की प्राइम लोकेशन वैशाली नगर एक्सटेंशन, वैशाली नगर चित्रकूट एक्सटेंशन आप बोल सकते हैं इस लोकेशन को। ये 1550 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया में ये फ्लैट है अपना, तो बहुत ही लग्जरी सेगमेंट में है, हर एक चीज़ इसमें आपको देखने को मिलेगी फुली फर्निश्ड फ्लैट। तो जैसे कि हम एंट्रेंस के साथ में देखते हैं, एंट्रेंस के साथ ही आपको ये लिविंग एरिया आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरा 6 से 7 सीटर आपको सोफा सेट इसमें देखने को आपको मिलेगा, काफ़ी अच्छा डाइमेंशन के साथ में आपका ये के साथ में लिविंग और डाइनिंग एरिया हो चुका है आपका इसमें। इतना आगे चलते हैं हम, आगे चलने के साथ हम देखेंगे पूरा 6 सीटर डाइनिंग एरिया आपको इसमें दिया हुआ है, पूरा डाइनिंग टेबल के साथ में, पूरा हॉल सीलिंग भी काफ़ी अच्छा इसमें हॉल सीलिंग है, इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा इंटीरियर वर्क इसमें किया हुआ है, काफ़ी अच्छी लाइटिंग इसमें देखने को आपको मिलेगी, वॉल्स पे भी काफ़ी अच्छा इसमें वर्क देखने को आपको मिलेगा, इंटीरियर काफ़ी अच्छा इंटीरियर के साथ में आपको देखने को इसको मिल रहा है फ्लैट। ये इसी के साथ हम आगे चलते हैं फर्स्ट रूम हम देखते हैं। रूम के साइज़ भी इसमें काफ़ी अच्छे स्पेशियस साइज आपको देखने को मिलेंगे। ये इस फ्लैट का फर्स्ट बेडरूम आपका ये हो गया। फर्स्ट बेडरूम का साइज़ भी इसमें काफ़ी अच्छा है, 12x14 के आसपास का इसमें आपको ये साइज़ देखने को मिलेगा। 6x6 का ये पूरा किंग साइज़ बेड इसमें लगा हुआ है। ये आपका वार्डरोब एरिया हो गया, वार्डरोब भी काफ़ी अच्छा इसमें स्पेस में आपको देखने को मिल रहा है।
ऊपर ये फॉल्स रिंग, काफ़ी अच्छी फॉल्स रिंग इसमें की हुई है। मतलब जो जिस कंडीशन में आपको देखने को मिल रहा है सेम उसी कंडीशन में आपको ये फ्लैट मिलेगा। और इसमें आपको छोटा मोटा का चेंजेस करवाना चाहे तो वो चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन मतलब फुल्ली मॉड्यूलर फर्निश्ड फ्लैट आपको ये देखने को मिल रहा है, सेम इसी कंडीशन में आपको मिलेगा ये। ये सामने एसी पॉइंट आपका हो गया, टीवी यूनिट आप लगा सकते हैं इसमें सामने। हर रूम के साथ आपको ये वॉशरूम, अटैच वॉशरूम आपको देखने को मिल रहा है इसमें। वॉशरूम का साइज भी काफ़ी अच्छा इसमें है और पूरा कंपनी फिटिंग आपका सैनिटरी है इसमें, सेरा का इसमें पूरा फिटिंग्स है। गीज़र आपको इसी के साथ में इंक्लूड गीज़र भी मिल रहा है, हर एक वॉशरूम में आपको लगे हुए मिल जाएंगे। इसी के साथ में आपका अटैच वॉल्कनी हो गया जो कि किचन से भी अटैच है और आपका ये रूम से भी अटैच है वॉल्कनी। काफ़ी अच्छा स्पेशियस वॉल्कनी आपको इसमें देखने को मिलेगा। आसपास का पूरा एरिया इतना डेवलपमेंट हो चुका है, पूरा बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट एरिया के साथ में आपको ये देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट बेडरूम के साथ में आपका अटैच वॉल्कनी हो गया, इसी के साथ इधर से ही आपका ये किचन भी, किचन का भी अटैच हो गया वॉल्कनी का एरिया। और किचन का स्पेस अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा स्पेशियस किचन इसमें आपको देखने को मिलेगा, तो बहुत ही बड़ा साइज में आपको किचन मिल रहा है। टू सिंक के साथ में वही सेरा की फिटिंग्स, फुली मॉड्यूलर किचन, चिमनी वगैरह आपको पूरा इसी में इंक्लूडेड, सब कुछ इसी में एज इट इज़ मिलेगा। ये पूरा फर्नीचर का पूरा वर्क एज इट इज़ आपको देखने को मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा है किचन का साइज़। अभी तक के जो फ्लैटों में आप देखोगे तो मतलब बहुत ही अच्छा स्पेशियस किचन आपको देखने को मिल रहा है इसमें। सैनिटरी फिटिंग भी ब्रांडेड पूरी फिटिंग्स है इसमें सेरा की। ये चिमनी आपका हो गया, आइए हम आगे चलते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा स्पेस इस किचन में है, बहुत ही अच्छा स्पेशियस किचन हो गया आपका ये। आगे चलते हैं हम, सेकंड रूम हम देखते हैं सेकंड रूम का क्या साइज है। तब ये भी काफ़ी अच्छे स्पेस में सेकंड रूम आपको देखने को मिलेगा, सेकंड रूम का स्पेस भी काफ़ी अच्छा इसमें स्पेस दिया हुआ है। फुली फर्निश्ड रूम्स, बेड्स, ये बेड्स का साइज भी काफ़ी अच्छा इसमें किंग साइज बेड आपको दिए हुए हैं। ये आपका राइट हैंड साइड पे वार्डरोब हो गया, पूरा स्पेशियस वार्डरोब है इसमें। और हर रूम में आपको वही फॉल्सनिंग, पूरे फ्लैट में आपको फॉल्सनिंग का वर्क, बहुत अच्छा फॉल्सनिंग का वर्क देखने को आपको मिलेगा इसमें। इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा इंटीरियर इसमें देखने को आपको मिल रहा है। ये इस रूम के साथ अटैच वॉशरूम हो गया, वही सेम सेरा की फिटिंग्स इसमें हो गई, वही गीज़र का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, गीज़र इंक्लूडेड आपको इसी में मिल रहा है गीज़र भी। ये आपका अटैच बालकनी हो गया रूम के साथ में। तो स्पेशियस बालकनी भी आपको यहाँ देखने को मिल रही है, स्पेशियस है पूरा एरिया। आगे आपका ये 40 फिट का रोड हो गया, आगे चलते हैं। इस रूम को विजिट करने के बाद में हम थर्ड रूम में हम एंटर करते हैं। थर्ड रूम का साइज भी काफ़ी अच्छा स्पेशियस साइज इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये आपका थर्ड बेडरूम हो गया, वही सेम किंग साइज आपको बेड इसमें देखने को मिलेगा। सामने आपका अटैच वॉशरूम हो गया, इधर आपकी वार्डरोब्स हो गई, वही सेम बड़ी बड़ी इसमें वार्डरोब्स आप ऑप्शन में देखने को मिलेंगी। ये इसका वॉशरूम, अटैच वॉशरूम हो गया, काफ़ी अच्छा स्पेस है इस वॉशरूम का भी।
वही सेम गीजर वगैरह के सारे तीनों वॉशरूम्स में इसमें गीजर के ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये आपका किंग साइज बेड पूरा, ये आपका एसी का पॉइंट हो गया सामने। हर रूम में सब में आपको एसी के पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे फिटिंग्स के साथ में। आउटर में इसके पूरे एसी के ऑप्शन होंगे। ये आपका इस रूम के साथ अटैच बालकनी हो गया, तो हर रूम के साथ में आपका अटैच बालकनी देखने को मिल जाएगी और काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ में आपको बालकनीज मिलेंगी इस फ्लैट के साथ में। जो भी हमारा ये वीडियो देख रहा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, आगे के बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए कंटिन्यू हमारे वीडियोस को आप देखते रहें। थैंक यू सो मच।
एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेडिट की होम। आज हम आपके लिए लेके आए एक लग्जरी सेगमेंट में मिला। ये हमारा एंट्रेंस करने के साथ में एक पार्किंग स्पेस हो गया। पार्किंग स्पेस के साथ हम आगे चलते हैं। ये हमारे विला का एंट्रेंस हो गया। एंट्रेंस के साथ आपको इसमें एक लिविंग एरिया, एक अच्छा स्पेशियस लिविंग एरिया हो गया। ये इसी के साथ में हम चलते हैं आगे। ये अपना किचन एरिया हो गया। किचन का भी स्पेस काफ़ी अच्छा है। इसमें फुली मॉड्यूलर किचन विद ग्रेनाइट वर्क। ये ग्राउंड फ्लोर पे हमारा पूरा अच्छा सा स्पेस में स्पेशियस लिविंग एरिया हो गया। लिविंग एरिया के साथ में एक कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम का साइज भी काफ़ी अच्छा है इसमें। ये ग्राउंड फ्लोर पे हमारा फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम का साइज भी पूरा एक बिग साइज में आपको दिया हुआ है, प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ में। वेंटिलेटेड स्पेस इसमें दिया हुआ है। इसी के साथ में आपका है ड्रेसिंग एरिया। काफ़ी बड़ा इसमें एक ड्रेसिंग एरिया दिया हुआ है। काफ़ी अच्छा स्पेशियस ड्रेसिंग एरिया है। इसी के साथ में रूम के साथ में ही आपको एक वेंटिलेटेड प्रॉपर एरिया दिया हुआ है। विदाउट लाइटिंग भी आपकी प्रॉपर इसमें रोशनी आएगी विला के अंदर। आइए फिर हम आगे चलते हैं। स्टेयर केस पूरा ग्रेनाइट वर्क विथ स्टील स्टेयर रेलिंग। फर्स्ट फ्लोर पे भी एक छोटा सा कॉमन गैलरी का लिविंग एरिया हो गया। इसी के साथ में आपका फर्स्ट फ्लोर पे फर्स्ट बेडरूम हो गया आपका। फर्स्ट बेडरूम जो फ्रंट का बेडरूम है, इसी के साथ आपका फुल स्पेशियस साइज। इसी के साथ में आपका एक कॉमन वॉशरूम। वॉशरूम के साथ ही पूरा ड्रेसिंग एरिया आपको इसमें दिया हुआ है। ड्रेसिंग एरिया का साइज काफ़ी अच्छा है, तो आपको इसमें रूम में कोई भी कंजेस्टेड एरिया नहीं होगा आपका। ये अलग से ही पूरा दिया हुआ है ड्रेसिंग एरिया। ये ड्रेसिंग एरिया के साथ में आपका एक कॉमन वॉशरूम। रूम के साथ ही आपको बड़ा सारा एक वॉशरूम इसमें दिया हुआ है। एक 3 BHK विला काफी लग्जरी सेगमेंट में है। ये सेकंड बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे। इसके साथ भी अटैच वॉशरूम एंड ड्रेसिंग एरिया, वही सेम बिग एक अच्छे स्पेशियस के साथ में। वॉशरूम का एरिया भी काफ़ी अच्छा है इसमें, आप जैसा देखेंगे विथ A1 क्वालिटी टाइल्स वर्क के साथ में। रूम के साथ ही आपको अटैच बालकनी। बालकनी का साइज भी काफ़ी अच्छा हो गया इसमें पूरा। और आप देखेंगे आसपास ही पूरा एरिया डेवलपमेंट है। नियर बाय काफ़ी सारे विला बने हुए हैं, सारे सोल्ड आउट हैं। और विलाज में आपको फैमिली शिफ्टेड दिखेंगी कम्प्लीटली। इसी के साथ हम चलते हैं अपने सेकंड फ्लोर पे। ओपन टेरेस के साथ में
काफ़ी अच्छा टेरेस का इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें भी आप कुछ अपना एक अलग से पूरा गार्डन वगैरह पूरा डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये पूरा आपका बिग साइज में पूरा रूफ हो गया। टाइल वर्क के साथ हम आपको नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, तो आगे आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने को